आज मैं राधा रानी का वर्णन करना चाहता हूँ आपको। आप लोगों को नहीं पता होगा कि राधा रानी के कितने रूप हैं। भगवत रसिक जी की वाणी के अनुसार राधा रानी के ब्रज में तीन रूप हैं। अब वो सुनिए, पहली राधा ब्रज बसे, दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंजन में दुलरावे श्री हरिदास। अब इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली राधा ब्रज बसे, यानी कि जो पूरे ब्रज क्षेत्र में जो राधा रानी जहां जहां मंदिरों में बसी हुई है वो पहली राधा रानी है, जैसे कि आप बरसाने में देख सकते हैं या किसी और भी ब्रज के मंदिर में देख सकते हैं। दूजी राधा रास विलास, यानी कि जितने भी ठाकुर जी के संग महारास किया है राधा रानी ने, चाहे वो सेवा कुंज में हो चाहे वो निधिवन में हो, वो दूजी राधा है, वो पहली राधा नहीं है, वो दूजी है रास विलास वाली। तीजी राधा निकुंजन में, यानी कि जितने भी कुंज निकुंज वन है, यानी कि निधवन हो गया, सेवा कुंज हो गया या और भी कोई मंदिर होगा जो पूरे ब्रज क्षेत्र में पूरे वृंदावन में बसे हुए हैं, उनमें तीजी राधा है जो कुंजों में पाई जाती है। आप वृंदावन की हर एक गली में, जैसे आपने सुना होगा कण कण में श्री राधा है, तो वो हर एक गली में हर एक कुंज गली में राधा रानी विराजती है। चाहे आप यमुना जी के तट पर चले जाइए, चाहे आप बांके बारी मंदिर चले जाइए, चाहे आप निधवन चले जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, दुलरावे श्री हरिदास, इन सारी राधाओं को हरिदास जी ने बहुत लाड़ प्यार से दुलारा है। और मैं इसका एक वर्णन करता हूँ कि राधा रानी के सेवा का जो महत्व है वो भी हरदास जी ने बताया है, और वो भी मैं आपको एक हमारे इसमें एपिसोड में उसमें एक पार्ट में हम आपको जरूर बताएंगे कि राधा रानी की किस तरीके से सेवा की जाती है और कैसे उनको जैसे कि प्रसन्न किया जाता है अपने सेवा भाव से। और सारा खेल भाव का है, आपका जो भाव है वही आप